Okay, next is safeguarding privacy of others. Did you notice the boards on road about cameras watching you as shown in figure 4.5? The purpose of such notices is to alarm you about your privacy and keep you within certain rules and regulations. वो कहते हैं अक्सर हम कई जगह पर जाते हैं वहां पर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि अक्सर बोर्ड्स पे लिखा हुआ भी होता है कि यू आर ऑन कैमरा या कैमरा की आंख आपको देख रही है, इस तरह की चीजें अक्सर लिखी हुई होती हैं। तो वो कहते हैं कि आप ये क्यों लिखी होती है, ताकि आप अपनी प्राइवेसी को और अपने आप को एक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रखो, ठीक है ना। तो हर किसी की अपनी एक अलग प्राइवेसी है, तो आप उस प्राइवेसी को फॉलो करो। ये चीज उन्होंने बताई हुई होती है कैमरा लगाकर, उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट के लिए कैमरा लगाया होता है, मगर आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस, आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करो ताकि वो अपने काम कर सके। सिमिलरली स्पीड कैमराज आर अनाउंस बिफोर टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर वीडियो। स्पीड कैमराज आप कहीं जा रहे होते हो, अक्सर मोटरवे पर हम देखते हैं कि आप वहाँ कैमरा लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि कैमरा आगे कैमरा है या कैमरा की आंख आपको देख रही, इस तरह के वर्ड्स वहां पर लिखे होते हैं। तो वो जैसी वो स्पीड कैमराज होते हैं, हमारी गाड़ी मूव होती है तो हमारी वो स्पीड कैच कर लेता है कि कितनी स्पीड पर हमारी गाड़ी जा रही है। अगर उनकी जो लिमिटेड स्पीड है उससे ऊपर जा रही होगी तो आपका आगे थोड़ी सी आप आगे जाएंगे तो आगे आपको सार्जेंट ने रोक लेना और आपका चलान हो जाएगा। ठीक हो गया। These steps are used to safeguard your privacy. In the same way, when you give information to an organization, it is the duty of that organization to safeguard your privacy. वो कहते हैं कि यही ये वे होता है कि इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने इंफॉर्मेशन जो आप उसे देते हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि उस इंफॉर्मेशन को वो सिक्योर रखे, आपके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखे, आपके इंफॉर्मेशन को हैक ना होने दे। योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन नादरा। आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर की जाती है? नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा में। नादरा की ये फुल फॉर्म है, National Database and Registration Authority, along with information of your other family members. So safeguarding this data is an ethical responsibility of NADRA. वो कहते हैं कि जब हम नादरा में अपना आईडी कार्ड बनवाते हैं, बेफॉर्म बनवाते हैं, तो हमारा और हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है कि ये फैमिली है, ये इनके मदर फादर हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये सारा पूरा एक सर्कल उन्होंने बना दिया होता है। तो किसी का भी वो एक बंदे का भी वो डाटा वो नंबर डालते हैं, बेफॉर्म का नंबर या CNIC नंबर, तो सारा सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है कि कितने बहन भाई हैं, कब इनका आईडी कार्ड बना था, कब एक्सपायर हो रहा है, सारा कुछ, ठीक है ना। तो वो कहते हैं इट्स एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा दैट दे शुड प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अब नादरा की ये जिम्मेदारी है कि वो आपका डाटा प्रोटेक्ट रखे, वो किसी को नहीं बताए, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहां पर अगर आपका डाटा जरा लीक हो गया तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है। ठीक है, Do you know CCTV stands for closed circuit television? CCTV cameras जो होते हैं, इसकी full form बताई भी है उसने, closed circuit television. Okay. Next is most of the websites also declare their privacy policy, indicating what information they collect from you and your computer and with whom they will share it. वो कहते हैं अक्सर वेबसाइट्स होती हैं वो डिक्लेयर कर देती हैं, अकाउंट आप बनाते हो उसी टाइम वो आपको बता देती हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम कहाँ कहाँ शेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या इस इन्फॉर्मेशन को आपके कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर किया जाएगा, किन लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, हमारी क्या पॉलिसी है, हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अक्सर वेबसाइट्स आपको पहले ही बता देती हैं। पीपल यूजुअली डू नॉट रीड दिस पॉलिसीज, मोस्ट यूजर मिस्टेकनली अज्यूम दैट देयर प्राइवेसी इज फुली प्रोटेक्टेड ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी। वो कहते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्राइवेसी पढ़ते ही नहीं है। आप कहीं पर भी किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे, किसी भी आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर पे, आप अपना जीमेल का भी अकाउंट बनाते हो, या इवन कि आप अपने फोन में कोई गेम भी डाउनलोड करते हो, तो वो आपसे पूछता है कि हैव यू वो एक चेकबॉक्स बनाओ और वहां पर लिखा हुआ होता है कि आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन। कभी किसी बंदा, कोई बंदा, अल्लाह का बंदा उस टर्म्स एंड कंडीशन को खोल के तो देख लिया करे। वो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपके फोन का एक एक चीज उनके पास चली जाती है, आपके कॉन्टेक्ट्स उनके पास चले जाते हैं, आपके मैसेजेस उनके पास चले जाते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी गैलरी को पूरी एक्सेस मिल जाती है आपकी उस फोन गेम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ के फिर उसे चेकबॉक्स को चेक करके और फिर आपने उस गेम को आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। Otherwise, you will lose your privacy.
एक्चुअली द वेबसाइट वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म यू दैट हाउ फार दे विल गो टू सेव गार्ड योर प्राइवेसी. वो कहते हैं जो वेबसाइट्स आपको सही प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रही होती है, बता रही होती है, तो वो आपको इसलिए बता रही होती है ये कि आपका जो डेटा होगा वो किस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी. अब डेटा प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्चुअली क्यों आपका जो डेटा होता है वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन रखना जरूरी होता है. ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा. वो कहते हैं जब बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न्स आ सकते हैं. ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डेटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज सिस्टम इन प्लेस. देयर कैन बी मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू देन यू थिंक. वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपका डाटा कलेक्ट करेगी तो आगे प्रोसीजर आपकी जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करेगी. ठीक है ना, तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको लगता है कि हमने प्रोवाइड ही नहीं की हुई, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले ही प्रेजेंट होती है. कहाँ से होती है, नादरा के पास से वो लेते हैं इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल अ हॉस्पिटल मे हैव योर बर्थ रिकॉर्ड. एक हॉस्पिटल जो होता है वहां पर आपका पूरा बर्थ रिकॉर्ड होता है कि आप कब पैदा हुए. ठीक है ना, Nadra has your family information, your school has your record, BIS, Board of Intermediate and Secondary Education, इनके पास आपके सारे record होते हैं, कितने कौन सी class में कितने क्या BIS form number है, आपके parents का BIS form number, आपका सारी information होती है. Passport office if you have a passport, email service provider if you have email accounts, online social networking websites. ये जो Facebook, WhatsApp, इन पर हम अपनी सारी information, अपनी सारी pictures share करते रहते हैं, ये सारी information आगे जाती रहती है. There are companies interested in a lot more than just your name, address, and other basic facts about your life. They want to know where you have traveled, what type of clothes you wear, how often you have been sick, if you have buy a product, then do you buy something else with that product or not, and much more. Answer of these questions help them in decision making. वो कहते हैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिन्हें खाली आपके नेम, एड्रेस और बेसिक लाइफ के फैक्ट्स के अलावा और बहुत सारी चीजों से कंसर्न होता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, आप कितने अरसे से बीमार नहीं हुए या कितने अरसे पहले आप बीमार हुए थे, आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, इस तरह की वो जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं ना आपसे, इन इन्फॉर्मेशन की, इन क्वेश्चन की बेस पर फिर वो अपने सॉफ्टवेयर से, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं. उन्हें कोई ना कोई फायदा होता है आपकी इन्फॉर्मेशन को लेने से. एग्जाम्पल देखें, इफ यू बाई देन यू यूजली बाय अ ड्रिंक एज वेल. दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज इट सेल इफ इट इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑफर ऑन बोथ पोटैटो क्रिप्स एंड ड्रिंक्स. सो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एंटिमेशन. इट इज ड्यू टू मैस कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, वो कहते हैं नॉर्मल एग्जाम्पल उसने दिया है कि अगर आप एक चिप्स खरीदते हो तो साथ आप उसके बॉटल अक्सर ही खरीदते हो. तो कहते हैं कि एक शॉपिंग मॉल को ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा, अगर जब ज्यादा लोग यही सेम चीज परचेज कर रहे होंगे तो उन्हें अपनी सेल को इंक्रीज करने के ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे, कि जिससे क्या होगा, पोटैटो क्रिप्स और जो ड्रिंक होगा वो इसकी सेल बढ़ा देंगे और इस पे न्यू ऑफर्स लगा सकते हैं ताकि लोग ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो. ठीक है, Do you know there are certain companies called data brokers that solely exist to collect, aggregate, buy and sell consumer information? कुछ companies ऐसी होती हैं जिनको हम data brokers भी कहते हैं, जो कि सिर्फ उनका main मकसद ही ये होता है कि जो consumer है, जो seller है, जो buyer है, उनकी सारी information को collect करके अपने पास रखना. Okay? So be careful while providing any information to anyone, either in your daily life or if you are using any social networking website, if you are making any email account, बहुत careful, कोई games download करते हो, बहुत carefully उनकी terms and conditions को पढ़ के फिर आगे download किया करें. ठीक है, next है analyzing the personal privacy and security concerns that arise with any use of computational systems. With the advent of internet, our computers are no longer standalone devices. In fact, now they are connected to millions of other computers in the world. Due to this connectivity, many security concerns also arise. Primarily, we want to secure our data according to the following three aspects. वो कहते हैं कि इंटरनेट के साथ साथ हमारे जो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक बिल्कुल स्टैंड अलोन डिवाइसेस बन गई हैं, कि हर बंदा अपने इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने कंप्यूटर के साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है. तो कनेक्टिविटी की वजह से हमें सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा कंसर्न होना पड़ गया कि हमारी सिक्योरिटी कहीं ब्रीच ना हो जाए. ठीक है ना, हमारी प्राइवेसी कहीं ब्रीच ना हो जाए. तो हमें किस तरीके से हमें अपने डेटा को, प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, उसने यहाँ पर बताया. सबसे फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी.
कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डेटा एज कॉन्फिडेंशियल, वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्संस। सबसे पहली बात, हमने अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, हमने अपने डेटा को अपने तक रखना होता है, अपने पास सिक्योर रखना होता है। अनइंटेंडेड पर्सन जो कि आपके डेटा से उन्हें जरूरत ही नहीं है आपके डेटा को रखने की, उन लोगों से हमने अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है और उनके साथ हमने अपना डेटा शेयर नहीं करना, ठीक है। सेकेंड वन इज इंटेग्रिटी, इट मीन्स दैट वी वॉन्ट टू कीप द डेटा करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट वॉन्ट दैट द वेबसाइट ऑफ आर बैंक शोज लेस अकाउंट बैलेंस देन इट एक्चुअली इज। वो कहते हैं इंटेग्रिटी में क्या होता है कि अक्सर जो आपका डाटा जो होता है, वो अपना डाटा अगर आपने करेक्ट रखना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने बैंक को प्रोवाइड की, एग्जांपल उसने या बैंक की दी है कि अगर बैंक को आपने प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन, वो आपकी इन्फॉर्मेशन वैसी ही आपको नजर आनी चाहिए। आपका अकाउंट बैलेंस जितना है आपको उतना ही नजर आना चाहिए, वो कम या ज्यादा नहीं कर सकते बैंक वाले। तो दिस इज नोन एज डाटा इंटेग्रिटी, डाटा को ठीक रखना, उसी तरह रखना जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी, it means that we want to have access to the data when we want. If data is not available when needed then in some cases it becomes useless. wo kehte hain aksar hamara jo data hota hai, data ka jo access hota hai, jo hum chahte hain data, wo sara data jo hota hai wo hamara available hona chahiye. jab kabhi bhi hame data chahiye hoga, agar wo available nahi hoga to it's useless for us, theek hai na. If data is not available when needed, then in some cases it becomes useless. जब हमें डाटा चाहिए था हमारा, जिससे रिलेटेड हमने अपना टास्क परफॉर्म करना था, अगर वो डाटा हमें मिला ही नहीं उस टाइम, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा हमें वो चाहिए ही नहीं, तो फिर हमारे लिए आपके कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डाटा आपका, आपने अपना डाटा बाकी दूसरे बंदों से अनइंटेंडेड लोगों से सेव रखना है। सेकंड वन इज इंटेग्रिटी, डाटा आपका करेक्ट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वही इन्फॉर्मेशन आपको नजर आनी चाहिए। और थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी, आपका डाटा आपको हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। All these aspects are important during the processing, storage and transmission of data in a computerized system. Computation is a general term for any type of information processing that can be represented mathematically. For example, your grade in 9th class will be computed according to your marks in every subject. ठीक है, कंप्यूटेशन का वो बताता है क्या होता है। कंप्यूटेशन जो होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को मैथमेटिकली अगर हम देखें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके उसे चेक करें कि क्या रिजल्ट्स आपके बनते हैं, तो उसको हम कंप्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल दिया उसने, कहा 9th क्लास का जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मार्क्स आएंगे उन सबको प्लस करके उनका टोटल एवरेज निकाल के, ग्रेड निकाल के, तो फिर जो होगा वो आपका 9th क्लास का रिजल्ट आपके पास आएगा। तो दिस इज नोन एज कंप्यूटेशन। In everyone's life, there is stunning growth of usage of computational system. This fact is behind in raising concerns about privacy. वो कहते हैं हर बंदा आजकल computation के चक्कर में है, मतलब जहां भी कोई भी information पड़ी उसकी उसे compute करना start कर दिया, उस पर plus minus multiply, कितना profit है, कितना loss है, क्या हो रहा है, ये सारा हर बंदा आजकल इसी काम में मशरूफ है। तो वो कहते हैं इसकी वजह से आपकी जो privacy होती है ये एक बहुत बड़ा इस पे concern बन चुकी है कि ये किस तरह से आपका data आप अपना private रख सकोगे। When we surf the internet, personal information is generated that may be of interest of to business or people with malevolent aims. Companies want to read minds of web surfers and sometimes they store some piece of information with the web surfers and called cookies. अच्छा, अक्सर आप देखते हो कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां आता है कुकीज, कुकीज का वर्ड लिखा हुआ हो रहा होता है और आप उसे कुकीज को एक्सेप्ट करते हो तो आपका डाटा, आपका जो वेबसाइट होती है वो आगे चलती है। तो ऐसा क्या होता है ये? वो कहते हैं जब भी हम इंटरनेट को सर्व कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे बिजनेस के लोग ऐसे होते हैं या जो उनका एम होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने उन्होंने स्टील करना है। तो वो कहते हैं अगर कोई कंपनी जो है वो जो वेब सर्फर है जो आप यूज कर रहे हो, जो आप वेब पे सर्फिंग कर रहे हो, चला रहे हो, देख रहे हो चीजें, वो जो होता है वो कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वो कहते हैं ये कुकीज के अंदर सेव कर देते हैं वो, कि ये कुकीज पे क्लिक करोगे तो फिर आगे इन्फॉर्मेशन चलेगी। और कुकीज पर आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके अंदर से आपकी जो होती है लोकेशन और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो सारी ट्रैक हो जाती है, ठीक है। यूजिंग कुकीज कंपनीज आर एबल टू ट्रैक परचेजेस एंड गैदर पर्सनल डाटा, आपकी पर्सनल डाटा जो होता है वो चला जाता है जैसे ही आप कुकीज पर क्लिक करते हो, अब बाकी पूरी वेबसाइट देखने के लिए, इसलिए कुकीज पर कभी भी क्लिक नहीं करते। दे कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू टारगेट देयर मार्केटिंग, इट कैन बी कंसीडर्ड एन इनवेजन ऑफ योर ऑफ देयर प्राइवेसी, ठीक है। इससे क्या होता है वो आपकी मार्केटिंग के वो अपनी मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं, आप मतलब कि किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट सबसे ऊपर जा रही है,
और क्या हो रहा है, किस कंपनी को किस तरह से बीट करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब वो कस्टमर से ले लेंगे तो फिर वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब ये जो नया टॉपिक आगे स्टार्ट हो गया ये है आपकी इनक्रिप्शन। अक्सर आपने व्हाट्सएप पर जब मैसेज करते हो तो आप देखते हो कि वहां लिखा हुआ आता है योर इन्फॉर्मेशन इज सिक्योर्ड विद एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी कैन नॉट विजिट दैट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से हम इनक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ेंगे कि मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस डेटा को आप किस तरह से एक पर्सनल की में कन्वर्ट करते हो, और की से आपका किस तरह से वो प्लेन टेक्स्ट में आता है। यहाँ देखो, इनक्रिप्शन से आपने डिक्रिप्शन पर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो पिछला वाला और ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो पीछे कुछ कुछ और चीजें उसने बताई हुई है और यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।